वन वेलकम टू आवर चैनल क्रैक नेट विद निशमन टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्राम यूनिट सेवन एज यू कैन सी डिजिटल पेमेंट सिस्टम आप सब जानते हैं कि हम इंटर बैंकिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर यूनिट सेवन यूनिट सेवन से के इस टॉपिक से रिलेटेड हमने इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग सर्विस डिटेल में डिस्कस की टाइप्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग देन मोबाइल बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग सर्विज़ एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिजिटल पेमेंट सिस्टम आप सब जानते हैं कि नाउ अ डेज दिस सर्विस इज सो यूज बाय द पीपल इट्स सो कॉमन एंड इट इज़ गेनिंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम तो इससे रिलेटेड आपके यू जी सी नेट में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आप इस सब टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइए और ये बहुत ईजी है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए मार्क्स लेकर ही लेकर आएगा यू नेट कॉमर्स के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको डिजिटल पेमेंट्स, इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट स्किप नहीं करना है इससे क्वेश्चन बनता है राइट अगेन आई एम सीन सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट क्या होती है डिजिटल पेमेंट्स जो जिसमें हम इंटरनेट को यूज करते हैं है ना सो बैंकिंग कार्ड्स ये हमारे एक डिजिटलाइजेशन से ही आए हैं बैंकिंग कार्ड क्या होते हैं एज यू कैन सी हेयर वेरियस काइंड ऑफ कार्ड्स जिससे आप पेमेंट करते हो दे आर कॉमन डिजिटल पेमेंट सिस्टम टाइप दीज कैन बी डेडिट और क्रेडिट बैंक्स है ना डेडिट और क्रेडिट बैंक्स के अंडर हमें मिलते हैं डिफरेंट बैंक इशू देयर कार्ड्स कोई डेबिट कार्ड इशू करता है क्रेडिट कार्ड यूजर के ऊपर डिपेंड करता है उन्हें किस कार्ड को यूज़ करना है बट दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कस्टमर कस्टमर कैन कम्प्लीट पेमेंट विद दिस मैथड डिजिटल पेमेंट क्या होती है जहाँ पर आपको फिजिकली जाकर बैंक में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है देर इज अ डिजिटल यू कैन से टेक्नोलॉजी थ्रू विच आप पेमेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग मैनुअली इन द बैंक एंड पेइंग थ्रू वन बैंक टू अनदर बैंक तो यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू भी पेमेंट की जाती है यू सी जब आप जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या uh, nowadays people are all kind of customers कस्टमर्स हर हैविंग द कार्ड्स एंड दे जस्ट स्वाइप इट सो दे माइट हैव टू यूज़ अ पिन फॉर द सेम आपको पिन डालना है और आपकी पेमेंट हो जाती है most businesses now offer ऑफर payments आप किसी भी टाइप में आप जाते हैं मॉल में अपने शॉपिंग करने तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर भी एक साइड में आपको uh, स्वाइप करने के लिए दी जाता है इंस्ट्रूमेंट जिस पे आपको अपना कार्ड स्वाइप करना है एंड यू हैव टू टाइप योर पिन नंबर और आपकी पेमेंट वहीं से कट जाती है वन कैन कैरी दीज कार्ड्स एनी वेयर यू कैन कैरी इन योर पॉकेट और आप इनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं ऑल्सो इट इज़ ईजी टू कैंसल दीज कार्ड्स इफ़ लॉस्ट और स्टोलन आपका ऐसे कार्ड्स अगर गुम हो जाएंगे तो कोई इनका मिस यूज़ ना करें अब ये इजिली आपने एक कस्टमर में कंप्लेन डालनी है अपनी कस्टमर केयर पर और आपका कार्ड वहीं पर ही वो उस कार्ड को बैन कर देंगे दे प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी विद पासवर्ड्स के साथ ही इनको यूज किया जाता है एंड ऑल्सो कस्टमर्स कैन पे लेटर विद दियर क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मीन्स कि अगर आपको एट द टाइम एकदम मनी की ज़रूरत है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो क्रेडिट कार्ड इज़ जस्ट अ फैसिलिटी जो बैंक देता है कि आपको कुछ अमाउंट क्रेडिट कर देता है कि आपके सपोज बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं और आपको पेमेंट करनी है तो लेटर ऑन जब आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे सेविंग्स करेंगे तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं सो दे हैव टू पे द बिल्स इंस्टेड ऑफ शेलिंग आउट कैश एट द टाइम बैंकिंग कार्ड समझ में आया देन नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट वी यूज आर यू एस एस डी यू एस एस डी स्टैंड्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा

सो दे कैन यूज दिस सिंपल एसेंशियल फीचर्स फोन यहाँ पर दे हैव टू जस्ट डाइल दिस कोड ओके स्टार नाइन नाइन हैश इट हेल्प एक्सिस बैंकिंग सर्विस विदाउट इंटरनेट एंड द इंडिविजल में इंक्वायर अबाउट देयर बैंक बैलेंस उसी पर ही आपको सारी आपकी बैंक डिटेल आ जाती हैं आप इंटर बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं ऑल टेलीकॉम प्रोवाइडर्स प्रोवाइड दिस सर्विस एंड दे हेल्प्स टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सिस्टम ताकि नो बडी

दिस डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूज योर आधार लिंक बैंक अकाउंट जिसके साथ आपका आधार नंबर लिंक है आपने अपने अकाउंट के साथ उसको लिंक करना है और कई बार क्या होता है अगर आप आधार नंबर से भी कर in system, another, cards. Cards पेमेंट कर सकते हैं इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रीच ऑफ सिस्टम एंड इंडिविजुअल कैन ट्रांसफर फंड फ्रॉम देयर आधार लिंक अकाउंट टू अनदर एंड दिस सिस्टम इज कंप्लीट पेमेंट विदाउट कार्ड्स कार्ड्स के बिना कैश के बिना डिजिटल सिग्नेचर्स के बिना आप अपने थ्रू आधार पेमेंट कर सकते हैं न कैन कंप्लीट देयर पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन विद आधार ऑथेंटिकेशन आएगा ऑल्सो इट अलाउज कैश विड्रॉल विद रुपीजन चार्ज कैश विद्रॉ कर सकते हो आधार नंबर से जस्ट वहां पर आपके रुपीज फिफ्टीन चार्ज लगेंगे एंड दिस सिस्टम इज असेंशियल फॉर मेनी पीपल दे कैन कंप्लीट द डिजिटल पेमेंट विद आईडेंटि नंबर नेक्स्ट वी हैव यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ई को हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है लेट्स डिस्कस इट अगेन यू पी आई के थ्रू पेमेंट्स कैसे होती हैं इट इज़ अनदर मेथड फॉर ईजी डिजिटल पेमेंट्स वन कैन लिंक सेवरल बैंक अकाउंट्स टू वन यू पी आई एप्लीकेशन से आप लिंक करते हैं और यू पी आई के थ्रू अगर आपका बैंक लिंक हो गया तो आप यू पी आई से पेमेंट करो और वो आपके अकाउंट से कट होती रहती है इट हेल्प्स एंड मनी फ्रॉम एनी ऑफ दोज अकाउंट्स द पर्सन डजेंट हैव टू फिल इन दियर बैंक डिटेल्स ऑलवेज यू से एक बार लिंक हो गया तो यू पी जाइए आपके एक वहाँ पर आई होती है और उस आई को यूज़ कीजिए उससे आपकी पेमेंट होगी वन कैन सिंपली एंटर द रिसीवर्स आई डी जिसपे आपको पैसे डालने हैं उसकी आई डी को कॉपी कीजिए आपकी आई डी के थ्रू पेमेंट चली जाएगी एंड दिस इज़ ऑन द मोबाइल फोन ऑल्सो सो दे कैन ऑल्सो यूज़ दिस फोन नंबर ऑफ रिसीवर्स अकाउंट यू पी आई इज़ मच मोर एक्सेसिबल ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो यू पी आई को यूज़ करती है फॉर पेमेंट राइट स्टूडेंट्स सो आई होप आपको इस पूरे सेशन में ये अलग अलग तरीके की मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज जो कि आपकी डिजिटल पेमेंट सर्विस के अंदर आती हैं इसको आपने अच्छे से समझा एंड माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ योर फर्स्ट सेशन इन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर हम इसी के साथ कॉन्टिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में अभी आपकी सारी सर्विसेज हमने डिस्कस नहीं करी है ताकि आपके साथ सारा मैशअप ना हो जाए

फर्दर आपको अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग यूनिट्स के एम सी क्यूज टाइप पूरे नोट्स चाहिए यू कैन मेल एस ऑन दिस लर्न विद निशमन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम फॉलो एस ऑन टेलीग्राम कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग थैंक यू सो मच